यू कांट इमेजिन कि वो हाल भरा हुआ था, सैकड़ों लोग बल्कि हजारों लोग वहाँ पे थे और पाकिस्तान के टॉप नामवर मॉडल्स वहाँ पे थे, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ खदीजा ने वहाँ पे रैम वॉक की है, स्टैंडिंग ओवेशन को मिला है, लोगों ने बड़े उनकी तालियां दी हैं। शी वाज इन द डिजाइनर ड्रेस ऑन दैट डे माशाल्लाह। एंड किसका ड्रेस पहना था? शहर से गल लिबास। अच्छा अच्छा ड्रेस लग रहा था। अपने आप को देख के कैसा लग रहा था शीशे में तैयार होकर? आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट। इस वक्त कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अमीन साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है, इनसे आप भी आप सुने? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि आपका प्रोग्राम अच्छा है तो थोड़ी ये नाजायजी हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत 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 ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और आपकी होस्टिंग भी बहुत ही अच्छी है, और आपका जो आपकी पूरी टीम है वो उसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। और खदीजा जो बेटी है, खदीजा तो मेरी बहन का भी नाम खदीजा है, वो अब तक बीमार रहती है। अच्छा। हाँ जी, तो ये के ये खदीजा से ये पूछना चाहता हूँ कि जी ये छोटी सिस्टर, आप थोड़ा ये बता सकते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कि आप क्या होना चाहती हैं आगे? और उसके अलावा जो सर बैठे हुए हैं, तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप वो बच्चे सिलेक्ट खुद करते हैं, या अगर हम आपको बताएं तो क्या उनको भी आप सिलेक्ट करेंगे, उनकी भी विशेष पूरी हो जाएगी? ठीक है ठीक है, ऑन एयर हम जवाब आपको दिलवाते हैं इसका। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा, खदीजा ने तो बता दिया था कि वो डिजाइनर बनना चाहती हैं और रैंप मॉडलिंग करना चाहती हैं, है ना? यही है। और करने के बाद जो है वो इरादा और पक्का हो गया है? जी बिल्कुल पक्का। और मैं ये इनसे थैंकफुल हूँ, मैं मेकअप विश से कि करने के बाद इन फ्यूचर ये मुझे हेल्प मिल जाए, कि मुझे मेरा जो मेरा एम है, उसको एम्बिशन है जो मेरा, वो पूरा करने में ये विश मुझे मदद करेगी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द देखिए माशाल्लाह शी इज सो पॉपुलर इस वक्त। हाँ। पाकिस्तान के जितने टॉप के न्यूज़पेपर्स हैं, जिसमें डॉन भी हैं, दी न्यूज एंड एवरीथिंग, इनका बड़ा अच्छा कवरेज वहाँ पे आया है। ओके। और लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये उस दिन इन्होंने टॉप मॉडल का रैंक किया। और इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं इनसे ये कहता हूँ कि आप जल्दी से ठीक हों, अपनी बीमारी से फाइट करें, और इंशाल्लाह डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प अस। एंड आई एम श्योर यू नो कि क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो गया इनको, और तो आप डेफिनेटली इस फील्ड के अंदर आप अगर सोचती हैं कि ये आपको खुशी देगी। हाँ। तो डेफिनेटली आप आए एंड आवर हेल्प विल बी विद यू। अच्छा श्रेयाक साहब, वही मेरा सवाल ही आ गया था यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने जो पूछा, आपने कहा कि वॉलंटियर्स होते हैं, लेकिन वो लोग जो देख रहे हैं आपको कहीं दूर हैं, या आपके वॉलंटियर अब तक उन तक नहीं पहुंचे हैं, कोई आपका ईमेल एड्रेस, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, या क्या वो लोग आपको किसी भी तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? हाँ नुसरत, ये आपने बड़ा अच्छा कहा, क्योंकि एक तो ये हमारा तरीका है जो वॉलंटियर्स विजिट करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने दो बच्चों को कहा था कि दो वो बच्चियाँ थीं और वो फौजी बनना चाहती हैं, कई लोग हमें खुद भी कॉन्टैक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, लाहौर की अभी एक बच्ची थी और वो US एम्बेसडर से मिलना चाहती थी, और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वेंटिलेटर्स के ऊपर थी, और उसने हमसे कॉन्टैक्ट किया। हम इसमें जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो केसेस आ रहे हैं वो हमारे उसमें आते हैं कि नहीं है, जो मेक ए विश के हैं। और जब वो हमने डॉक्टर्स वगैरह से बात की और अमेरिका के एम्बेसडर से जब हमने कहा, तो उन्होंने फौरन हमसे कहा कि जी आप उसको लेके आ जाइए, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज शी वॉज ऑन द वेंटिलेटर। और आपको बड़ी ये सुन के खुशी होगी कि US एम्बेसडर खुद उससे मिलने के लिए लाहौर के उस इलाके में गई जो बड़ा कंजेस्टेड इलाका था, और उस बच्ची ने कहा कि आप मेरी फेवरेट हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान में सैलाब जदगान के लिए आपने किया है, मैं सोचती हूँ कि एंड सम हाउ द गर्ल वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द पॉलिटिशियंस, बट शी सेड कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। और उसने कहा कि मुझे इससे बड़ा तोहफा नहीं मिल सकता कि एक एलिंग बच्ची ने मेरी तारीफ की है कि मैंने एक अच्छा जॉब किया है, और उसके साथ 45 मिनट्स गुजारे। तो बच्चे भी हमें या उनके पेरेंट्स हमको जो खुद कांटेक्ट करते हैं, और फिर हम वहाँ से अपना काम शुरू करते हैं जी। तो अगर आप भी जिस वक्त देख रहे हैं या किसी बच्चे को जानते हैं, हमारा वेबसाइट का है www.makeawish.org.pk, आप हमें ईमेल करें और इंशाल्लाह हम इमीडिएटली फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चे की जो विश है उसको हम ग्रांट कर सकेंगे। अच्छा, बच्चों की विश तो यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए बहुत लोगों ने आपसे कॉम्प्रोमाइज किया और काफी वेलकम भी किया, आप लोगों को बच्चों की विशेष पूरी की। अगर कोई बच्चा विश कर दे, क्योंकि हमारे यहाँ वो पड़ोसी मुल्क का भी काफी असरात है, तो वो वाली विश अगर कोई कर दे कि जी मुझे बॉलीवुड के इस स्टार से, या फिर और दूर की हॉलीवुड के किसी स्टार से वैसे विश कर दे, मुल्क से बाहर कोई भी विश कर दे, या कोई कह दे मुझे दुबई देखने जाना है, तो फिर उस बच्चे की विश का क्या होगा? नुसरत देखिए, आज अगर हमारा कोई बच्चा ये कहे कि उसे ओबामा से मिलना है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कहा है कि वो ये अरेंज करेंगे, क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और आप यकीन करें कि ये
जितने भी ओबामा और ये सदर वदर हैं वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देते हैं, मगर अभी क्या है कि हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि विद इन कंट्री। फिर आपको सरप्राइज भी होगा, अभी कुछ दिनों पहले जब वर्ल्ड कप हो रहा था फुटबॉल का, मेरे पास ये आया कि आप अपने 4 बच्चों को वर्ल्ड कप में भेज सकते हैं। नाउ मेरे 4 बच्चे कोई इंटरेस्टेड ही था वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में देखने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि आई एम सॉरी, क्योंकि वर्ल्ड कप वालों ने हमारे 100 बच्चों को एज ए गेस्ट बुलाया था, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए 4 बच्चों को कहा कि जी आप भेज दें, आई एम सॉरी जी हमारे पास कोई था ही नहीं। हमारे बच्चों की जो विशेज हैं वो इतनी जी मासूम विशेज हैं जो विद इन पाकिस्तान है, बट आपने बहुत सही कहा कि इंडिया के कुछ स्टार्स से हमारे बच्चे मिलना चाहते हैं, और उसके लिए मेक ए विश इंडिया ने हमसे कहा हुआ है कि किसी वक्त भी आप लाएं, क्योंकि उनके सलमान खान और जो दूसरे हैं, बल्कि परसों में ये देख रहा था कि जिस दिन आपका डॉन के अंदर आया था सलमान खान की भी कुछ स्टेटमेंट थी इस सिलसिले के अंदर, तो दे आर वेरी वेरी विलिंग कि हमारे बच्चों को अकोमोडेट करें, और इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने कुछ बच्चों को लेके जाएंगे। बल्कि अभी क्या हुआ कि कुछ महीनों पहले एक बच्चा इलाज कराने गया था। अच्छा, ये इसको हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि कॉलर काफी देर से वेट कर रही है। जी हाँ। अलीशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कैसी हैं? आप खैरियत से अल्लाह का शुक्र, आप बताओ क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, आपकी मुझे इन सर से बात करनी थी कि इन्होंने जो आज तक सारी मतलब बहुत सारी विशेष पूरी की है, तो सबसे ज्यादा इन्होंने किस शहर से की है? अच्छा ठीक है, शहर से, चलो ठीक है, और यार पूछ के बताते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मुझे प्रवीण शाकर का एक शेर सुनाना था। जरूर सुनाइए, आज उनका बर्थडे है ना? अच्छा जी 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 जी। रफाकतों का मेरी इसको ध्यान कितना था, रफाकतों का मेरी इसको ध्यान कितना था, जमीन ले ली मगर आसमान छोड़ गया। क्या बात, अजीब चरस्ता बारिश का रंग देख के भी खुले दरीचे में एक फूलदान छोड़ गया। क्या बात है, क्या बात है भाई, थैंक यू अलीशा, आपने हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मेरे पास इंटीरियर सिंध से बहुत ज़्यादा विशेज आई हैं। अच्छा, और लाहौर से हमारे पास काफ़ी विशेज आई हैं। इंटीरियर सिंध का यह है कि मुझे हैरानगी होती है, कुछ बच्चे जिन्होंने कराची विजिट ही नहीं किया, और उनकी ख्वाहिश क्या है, हम एक दिन कराची में गुजारना चाहते हैं, सी साइड को देखना चाहते हैं, और ये कुछ हमारे यहाँ पे मतलब कराची हमने विजिट नहीं, ऑल देन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ज़िंदगी में फिर हम ये करते हैं कि उनको लेके आते हैं, पूरा दिन वो कराची में गुजारते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरह की जगह हैं जहाँ पे ज़ू का ख़ास तौर पे बहुत उनको होता है कि जी हमें ज़ू देखना है, तो ये तमाम चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट कर रही हैं हमारे बेचारे उन बच्चों को जो इंटीरियर सिंध के अंदर रहते हैं, तो पूरे दिन वो यहाँ पे गुजारते हैं, दे फील वेरी वेरी हैप्पी कि जी उनको बहुत खुशी होती है इस चीज़ से। सही, और बीच में आप एक बच्चे के हवाले से भी हमें कुछ बताने वाले थे, वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मोस्ट वांटेड इस वक्त क्या था जो मैं भी सोच रही थी और इंतजार कर रही थी, वो था खतीजा की कैटवॉक, जिसका जिक्र हमने इतनी बार किया, इतने टीजर दिए, और अब फाइनली हम देखें कि जिस कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, अखबारात में भी जिसको कवरेज मिली है, वो कैटवॉक एक्चुअली कैसी थी, हम सब देखते हैं।